हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग. जय हिंद एवरीवन. यू ऑल आर वेलकम टू अवर ऑनलाइन एल्गा क्लासेस विथ द लिट स्कूल एट होम एंड विथ अवर TMIS होम बेस एजुकेशन. हियर आई एम विथ माय यूनिट 4 डे 5 विथ माय फर्स्ट सेक्शन फोनिक्स. एंड टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस फ्र एंड ड्रस ब्लेंडिंग साउंड्स. ओके, तो F और R को जब मिक्स करते हैं, दोनों साउंड को जब मिक्स होते हैं तो वो ब्लेंड बन जाते हैं. तो फ्र एंड ड्र, लेट अस लर्न द फर्स्ट साउंड. फ्र, फ्र, फ्राई, फ्राई, फ्रूट, फ्रूट, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्रॉक, फ्रॉक. अभी नेक्स्ट साउंड ड्र, ड्र, ड्रैगन, ड्रैगन, ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रेस, ड्रेस. ओके बच्चास, यू हैव टू ओपन योर SR बुक. SR 12 ओपन करिए. SR 12 एंड SR 13 पे है. चलिए, कीप योर फिंगर्स एंड डू रीडिंग विथ मी. ओके, लिसन केयरफुली. मैं आपको ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी. कीप योर फिंगर एंड डू रीडिंग ऑफ इट. फ्राइज, फ्राइज, फ्रूट, फ्रूट, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्रॉक, फ्रॉक, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेट, फ्रेट, फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रैंक, फ्रैंक. आया समझ में? ओपन योर SR 13 बच्चस. ड्र ब्लेंड, ड्रैगन, ड्रैगन, ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रेस, ड्रेस, ड्रिप, ड्रिप, ड्रैग, ड्रैग, ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रम, ड्रम. ओके, दिस इज माई सेकेंड सेक्शन, होल वर्ड्स. अभी आप मेरे साथ ये सारे होल वर्ड्स को रिवाइज करिए. उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी आएगी, अंडरस्टूड, जो आप करोगे मेरे साथ. एवरी, एवरी, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, अक्रॉस, across, again, again, which, which, cannot, cannot, once, once, time, time, sticky, sticky, greet, greet, return, returned, filled, filled. ओके, ओपन योर नोटबुक चिल्ड्रेन एंड राइट दिस टाइटल वर्ड फैमिलीज. आप क्या करोगे? वर्ड स्पेलिंग्स ये आप टाइटल लिखोगे. लिखिए, चलिए. ओपन योर नोटबुक, टेक योर पेंसिल एंड इरेजर एंड राइट डाउन. अच्छे से लिखना बच्चा. ओके, देन मैं आपको एक वर्ड बता रही हूँ यहाँ पे, जिसका स्पेलिंग आपको स्पेल आउट करना है. कौन बताएगा मुझे? हाउ टू स्पीक द वर्ड, वर्ड को कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एवरी बोला है तो ई वी ई आर वाई, एवरी, तो उसको आपको लिखना है. अंडरस्टूड? तो दिस आई विल मेक यू डू इन गूगल मीट. अंडरस्टूड? ये मैं आपको गूगल मीट पे कराऊंगी. लेकिन फिर भी यहाँ पे ओपन योर नोटबुक, राइट नंबर वन स्पेलिंग. चलिए, रेडी? मैं बोलूँ स्पेलिंग, आप लोग लिखोगे. ओके, ई वी ई आर वाई, एवरी. एच आई एम एस ई एल एफ, हिमसेल्फ. ए सी आर ओ डबल एस, across. A G A I
N again. W H I C H which. C A double N O T cannot. O N C E once. T I M E time. S T I C K Y sticky. G R double E T greet. R E T U R N E D returned. F I double L E D filled. Okay, bachas, ध्यान से अच्छे से लिखना आप with your excellent handwriting. Okay, now in my last class मैंने आपको ये homework दिया था WS5 question 1 making prediction. Picture को देख के आपको predict करना था और दोनों answer में से कौन सा answer right था वो टिक करना था. टिक राइट द सेंटेंसेस दैट टेल अस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द पिक्चर. चलिए पिक्चर ध्यान से देखिया. द करेक्ट आंसर वॉज दे विल कुक. वो खाना बनाएंगे. बी पे आ जाइए. अकॉर्डिंग टू पिक्चर द करेक्ट आंसर वॉज समवन विल फॉल. अगर वो केले का छिलका डाल रहा है तो कोई गिर जाएगा. सी इट विल रेन सून. बादल है, थंडर हो रहा है तो बारिश आएगी. डी द बॉय विल जंप फॉर जॉय. अगर उसने कुछ अचीव किया है, कोई कॉम्पिटिशन जीती है तो खुशी से वो जंप करेगा. अंडरस्टूड? ओके चिल्ड्रेन, नाउ यू हैव टू ओपन योर नोटबुक ओवर हियर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉन्ग विद द नोटबुक बेटा आपको आपकी वर्कबुक भी ओपन करना है. मेकिंग प्रेडिक्शन. अभी यहाँ पे आपको नोटबुक ओपन करके ये टेबल बना लीजिए. व्हाट आई प्रेडिक्ट, मतलब आप क्या प्रेडिक्ट करोगे, क्या सोच के रखोगे कि अभी आगे क्या होगा. विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट. अगर स्टोरी है तो स्टोरी में कौन सी लाइन आपको ये आपको मतलब कोई लाइन पढ़ते हो ना स्टोरी का जब भी, तो आपने ऐसे सोच के अभी आगे ऐसा होगा. ऐसे बहुत बार हमारे साथ होता है. हम जब मूवीज़ देखते हैं ना तो मूवी जैसे चलती है ना तो फिर हम बोलते हैं अभी आगे ऐसा ही होगा. फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से, तो बोले ऐसा हुआ था ना तो मैंने ये सोचा था कि अभी आगे ऐसा ही होगा. यस और नो? सेम वे स्टोरीज में भी. ओके, ड्रॉ द टेबल इन द नोटबुक. ये टेबल में नोटबुक में टेबल ड्रॉ करके रखो ये, और नीचे लाइंस छोड़ के रखना. हाँ, टेक योर पेंसिल एंड इरेजर. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर SR बुक SR 8. एक नई स्टोरी है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी. आप ध्यान से सुनिएगा और प्रेडिक्ट भी करके रखना. ओके, अंजू ट्रैवल्स टू एशिया. अनुज ट्रैवल्स टू एशिया. अनुज एक बॉय है और वो ट्रैवलिंग कर रहा है. कहाँ पे जा रहा है? एशिया. ऑथर किसने लिखा है स्टोरी? सुमित मेहता. इलस्ट्रेशन किसने ये डेकोरेट किया पिक्चर्स वाला? किर्कडी पन्हा. पेज नंबर 1 अनुज हैज हॉलीडेज वंस अगेन. उसको छुट्टी हो गई. टाइम टू गो ट्रैवलिंग. अभी घूमने के लिए जाना है. लेट्स गो अराउंड एशिया सेज डैड. उसके डैड ने बोला चलो एशिया चलते हैं. देखिए दो फ्लैग्स है, इंडिया का और एशिया का. डिड यू नो एशिया हैज 48 कंट्री. पूरे एशिया में कितनी कंट्रीज है? 48 कंट्रीज. चाइना एंड इंडिया आर बोथ इन एशिया. चाइना और इंडिया दोनों कहाँ पे है? एशिया में. दे आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा पीपल्स है. इंडिया
एंड चाइना में. अंडरस्टूड? दे लैंड इन चाइना. नी हाउ सेज देयर होस्ट. जब वो चाइना गए तो चाइना के पीपल ने उन लोगों को बोला नी हाउ. उसका क्या मतलब है बेटा? बताती हूँ अभी थोड़ी देर में. दे ईट यम्मी टाफू एंड स्टिकी राइस. वहाँ पे जाके उन लोगों ने यम्मी टाफू, वहाँ का कोई फूड होगा और स्टिकी राइस होगा, वो खाया. अंडरस्टूड? ओके बच्चास. दे ड्राइव टू भूटान. चाइना से फिर वो लोग कहाँ पे आए? भूटान. तासी दलेक. तासी दलेक ग्रीट्स देयर होस्ट. वहाँ पे गए तो वहाँ के होस्ट ने उन लोगों को बोला तासी दलेक. लेट्स सी आगे ये क्या है. दे गो ट्रैकिंग इन द हिमालयास. फिर वो लोग ट्रैकिंग करने गए. ट्रैकिंग यानी क्या बेटा? गुड एडवेंचर जो करते हैं ना पहाड़ों में जाके, सॉरी, उसको ट्रैकिंग बोला जाता है. दे हैव मोमोज एंड टक्पा. टक्पा ओके. मोमोज खाए उन लोगों ने और कुछ टक्पा करके वहाँ पे कुछ मिलता होगा फेवरेट डिश, तो वो खाया. ओके. दे टेक अ फेरी टू श्रीलंका. फिर उन लोगों ने वहाँ से एक फेरी लिया भूटान से. हिमालय गए थे ना, वहाँ से श्रीलंका गए फेरी में. कोहमाडा वेव्स देयर होस्ट. श्रीलंका में सबने क्या बोला? कोहमाडा. ओके. दे क्लाइम द लायन रॉक. फिर वहाँ पे उन लोगों ने कौन सा रॉक किया? लायन रॉक क्लाइम किया, ट्रैकिंग किया. दे ईट फिश करी एंड राइस. वहाँ पे जाके उन लोगों ने फिश करी खाया और राइस खाया. नाउ इट्स टाइम टू गो बैक. अभी घूम के आए पापा और सन, दोनों घूम के आए. अनुज हैज़ अ जर्नल फुल्स ऑफ मेमोरी. अभी अनुज ने एक बुक बनाई थी जिसमें उसने पूरी मेमोरी लिख के रखी. ओके, फुल्स ऑफ मेमोरी. ओके बेटा, अभी आप क्या करोगे यहाँ पे? ओपन योर नोटबुक. आपको जो भी प्रेडिक्ट होता था कि इसके बाद ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ, तो आप वो लिख के जाइए प्रेडिक्शन नोटबुक में. और जब भी आप रीड करते हो तो मीनिंग जो होता है, जो आपको नहीं समझ में आता है, यू हैव टू फाइंड इट आउट विद द न्यू वर्ड्स. आजू बाजू में जो भी न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं वो पूरा सेंटेंस, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट, देन रीड द सेंटेंस. फिर जो वर्ड है उसके आजू बाजू के सेंटेंस और वर्ड्स रीडने की कोशिश कर, वर्ड्स रीड करने की कोशिश करिए ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए. ओके, अभी यहाँ पे आ जाइए. आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग. सबसे पहले विच कंट्री अनुज इज गोइंग टू विजिट. सबसे पहले अनुज कहाँ पे जाना चाहता था? एशिया. ऐसे हर एक पेज पे आएगा बेटा, जैसे कि वो लोग चाइना गए, फिर भूटान गए, फिर श्रीलंका गए. आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि अभी कौन सी कंट्री में गया, उसके बाद कौन सी कंट्री में गया, लास्ट में वो कौन सी कंट्री में गया. आया समझ में? ओके. यहाँ पे एक ग्रीटिंग एक्टिविटी है बेटा, मैं आपको गूगल मीट में उसका CRL प्ले करके दिखाऊंगी. ओके, आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी हाउ टू ग्रीट हेलो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अभी हमने देखा था चाइना में गए तो उसके होस्ट ने उनको बोला निया हाओ. फिर आगे कहाँ पे गए तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती थी. देखिए निया हाओ चाइना में गए तो. ओके, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ ये निया हाओ क्या था. मतलब हम जब हेलो बोलते हैं सबको तो अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं. जैसे कि दिस इज़ हाउ पीपल से हेलो इन चाइना. कैसे बोलेंगे? निया हाओ. अंडरस्टूड? ओके. इन द स्टोरी वी मस्ट हैव सीन द दैट अनुज गोज टू डिफरेंट कंट्रीज़.
हमने देखा कि अनुज ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में विजिट किया एंड पीपल सेज हेलो टू हिम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट वेज यस। और जैसे कि वो चाइना गया, भूटान गया, श्रीलंका गया, तो पीपल उसको हेलो बोलते थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू से हेलो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ताकि आप अगर घूमने जाओ चाइना, श्रीलंका, भूटान, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, यहाँ पे एक सीआरएल है, आई विल प्ले इन द गूगल मीट। ओके, हेलो एवरीबडी, हेलो एवरीबडी, इन श्रीलंका इट इज से कोहमाड़ा, इन चाइना इट इज से निहाओ, इन जापान इट इज से कोनिचीवा, इन भूटान इट इज से तासिदेलेक, एंड इन अमेरिका वी से हेलो, एंड इन इंडिया वी से नमस्ते। हेलो एवरीबडी, हेलो एवरीबडी। आया समझ में बच्चा किस तरह से बोला जाता है? ओके बच्चा, नाउ वी विल लर्न फाइंड द मीनिंग ऑफ द रिलेटेड वर्ड्स। अभी जो जो वर्ड्स आते हैं स्टोरी में उसके मीनिंग्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इन दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स एज द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, ओपन योर WS7। अनुज ट्रैवल्स टू एशिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? Which word from the story means the same as to travel? यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है टू ट्रैवल। नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं। ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे बेटा? टू ट्रैवल का रिलेटेड मीनिंग को फाइंड आउट करोगे और उसको टिक आउट करोगे। अंडरस्टूड? मतलब यू हैव टू फाइंड द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड टू ट्रैवल। ओके, आई कैन सी द वर्ड ड्राइव, मोमो, ईट, ड्राइव। आई थिंक सो ट्रैवल यानी ड्राइव करके ही जाते हैं, यस? ओके, द वर्ड इज यूज इन द स्टोरी टू सो दैट अनुज एंड हिज फादर आर गोइंग समवेयर। वो लोग जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं। आई थिंक टू ड्राइव एंड टू ट्रैवल हैव द सेम मीनिंग, सो आई विल टिक द वर्ड ड्राइव। ओके, मैं ड्राइव को टिक करूँगी। सेम वे क्वेश्चन टू, विच वर्ड फ्रॉम द स्टोरी मीन्स द सेम एज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किसको बोला जाता है? कुछ नया करना, कुछ इनोवेटिव करना। ओके, तो श्रीलंका, क्लाइंबिंग, वेलकम, इनमें से कौन सा वर्ड है जो ट्रैकिंग के रिलेटेड है? डू इट, टेक योर पेंसिल इरेजर एंड डू इट। ओके, ड्राइव को टिक करिए, क्लाइंब को टिक करिए। अंडरस्टूड? पंक्चुएशन एक्टिविटी। बेटा अभी यहाँ पर मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगी, वो है पंक्चुएशन की एक्टिविटी। अंडरस्टूड? दिस इज योर ग्रामर सेक्शन बेटा। ओपन योर स्टोरी फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आप स्टोरी ओपन करो फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, SR3 में ओपन किया। अभी देखो यहाँ पे जो भी मैं स्क्रीन दिखाऊंगी आप ध्यान से देखिए। रीड द फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन SR3। फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए, कौन सा सेंटेंस है? नाउ रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। रोहित हैज द वर्ल्ड मैप इन हिज रूम। बेटा मैंने आपको आगे भी बताया था, व्हेन यू राइट सम सेंटेंसेस you have to do first letter capital and by ending the sentence you have to do full stop. Okay, compare it with the first sentence on SR. आप SR book open करिए और उसमें ये पहला ही sentence लिखा है page number 1 पे। Rohit has a world map in his room. Okay,
विच वन डू यू थिंक इज रिटन करेक्टली, अभी एसआर बुक में लिखा है वो या फिर मेरी स्क्रीन पे लिखा है वो, कौन सा सही है? विच वन डू यू थिंक इज रिटन करेक्टली? द सेंटेंस इन एसआर इज करेक्ट, जो आपकी एसआर बुक में सेंटेंस है वो करेक्ट है. इट यूजेस कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेर एवर नीडेड. एसआर बुक में क्या है? प्रॉपर है. जहाँ पे कैपिटल लेटर चाहिए वहाँ पे कैपिटल किया है, जहाँ पे फुल स्टॉप करना चाहिए वहाँ पे फुल स्टॉप किया है. अंडरस्टूड? ओके, चलिए हम ये सारे सेंटेंस को रीड करते हैं. रीड ऑल द सेंटेंसेस ऑन एसआर थ्री. मैं यहाँ पे रीड करूँगी, आप एसआर थ्री में फाइंड आउट करिए और फिंगर रख के रीडिंग करिए. एंड देन कंपेयर देम विद द वंस गिवन हियर. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस. अभी मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ और आप सोचो कि मेरे स्क्रीन पे सही है या आपकी एसआर बुक में सही है. ध्यान से देखिए. रोहित हैज अ वर्ल्ड मैप इन हिज रूम. अभी एसआर बुक में चेक करो कहाँ पे है, और एसआर वाला सही है या स्क्रीन वाला सही है. ही हैज मार्क प्लेसेस ऑन इट दैट ही वॉन्ट्स टू सी. ही कैन सी हिमसेल्फ फ्लाइंग इन अ हॉट एयर बलून. He is flying across India. Okay, अभी देखो मेरा first sentence ही गलत था. Rohit has a world map in his room. Understood? तो उसमें R capital आएगा और last में full stop. और बाकी सारे sentence screen वाले भी सही थे और SR book वाले भी सही थे. देखो फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, एच ई ही का एच, एच ई ही का एच, एच ई ही का एच, लास्ट में फुल स्टॉप्स. ओके, रीड ऑल द सेंटेंस ऑन एसआर फोर एंड फाइव. अभी एसआर फोर एंड फाइव ओपन करिए एंड देन कंपेयर देम विद दोस गिवन हियर. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. ओके चलिए. ही देन फ्लाइज टू अ न्यू कंट्री. ही सीज अ लॉन्ग लॉन्ग वॉल. विच कंट्री इज दिस? दिस मस्ट बी चाइना. यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपका एसआर वाला सही है या ये सही है? चलिए देखते हैं. मेरे स्क्रीन के दो सेंटेंस गलत है, आपके एसआर वाले सही है बेटा. ही देन फ्लाइज टू अ न्यू कंट्री. देखो एच कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप. विच कंट्री इज दिस? क्वेश्चन किया था तो डब्ल्यू कैपिटल है और क्वेश्चन मार्क है, दैट इज राइट. और लास्ट वाला दिस मस्ट बी चाइना, तो दिस का एच कैपिटल आना चाहिए था. ओके, रीड ऑल द सेंटेंसेस ऑन एसआर फाइव ओपन करिए एंड देन कंपेयर देम विच दोज गिवन हियर. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. ओके बेटा, एसआर फाइव पे है अभी ये सारे सेंटेंस, चलिए कंपेयर करिए. ही सीज पीपल ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर. ही हियर्स देम स्पीकिंग इन इनहेल्स. इनहेल्स, चलिए चेक करिए कि कौन सा सही है या फिर दोनों सही है. विच कंट्री इज दिस? यस, दिस इज श्रीलंका. चेक योर आंसर. यस का वाई कैपिटल आना चाहिए था. यस, ओके. अभी यहां पे भी आप कंपेयर करोगे एसआर सिक्स पे. ही लुक्स एट द मैप अगेन and thinks he then flies down and down. I cannot fly in a balloon to go to these places, he says. Do you know how can I go there? देखिए कहाँ पे गलती थी. यहाँ पे full stop के बाद first letter capital आता है. देखो first sentence में he looks at the map and thinks. थिंग्स पे फुल स्टॉप आ गया था एसआर बुक में और उसके बाद फर्स्ट लेटर एच ई ही देखो वापस कैपिटल आया. जब भी फुल स्टॉप आता है और उसके बाद आप जब भी लिखना शुरू करो योर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? ओके, सेंटेंस सॉन्ग्स यही मैंने आपको अभी सिखाया. अ सेंटेंस बिगेंस विथ अ लेटर. अ सेंटेंस बिगेंस विथ अ लेटर. ओके, अ सेंटेंस लेटर से शुरू होता है. A capital letter which is big, big, big. A capital letter which is big, big, big. First letter जब भी हम लिखते हैं capital होता है और वो big letter होता है.
A capital letter which is big, big, big. A sentence end with a full stop. A sentence ends with a full stop. A full stop which is a dot, dot, dot. A full stop which is a dot, dot, dot. Okay, open your WS8 capitalization. आपको यहाँ पे फोकस करना है फर्स्ट लेटर कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप, और जहाँ पे भी बीच में फुल स्टॉप होता है उसके बाद भी फर्स्ट लेटर कैपिटल. यहाँ से टिक राइट द सेंटेंस दैट यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप करेक्टली. चलिए करिए आप लोग, फिर मैं आंसर दिखाती हूँ. सिर्फ जो सेंटेंस सही है उसके सामने राइट, बाकी के बॉक्स में कुछ नहीं करना है. जो गलत है उसमें कुछ नहीं करना है. ओके, चेक योर आंसर. ओनली वन ए, एन एंट इज अ स्मॉल एनिमल. वो एक ही सही है. लास्ट वाला चेक करो. एलिफेंट में बीच में कैपिटल ई डाल दिया बेटा उन लोगों ने. दैट इज रॉन्ग. ओके बच्चा, इन राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन ओपन योर WS6. आप क्या ओपन करोगे? WS6 क्वेश्चन 2. और नोटबुक भी ले लो जो प्रीवियस क्लासेस में आपने किया था. ओके, नाउ वी विल डू द प्रेडिक्शन. हम प्रेडिक्शन करेंगे. आप पिक्चर को देखो, देखो ध्यान से देखो एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट. आपने ऐसे प्रैक्टिस किया था राइट, कि आगे क्या होगा. हमने प्रेडिक्ट करके भी लिखा था कि द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट चिल्ड्रेन बाइंग चॉकलेट्स एंड कैंडीज. लेकिन हमने प्रेडिक्ट क्या किया था कि दे विल बाय कैंडीज एंड दे विल ईट इट, और वो लोग खा लेंगे. ओके ओके, चलिए. नाउ यू विल लुक एट द पिक्चर एंड राइट द गैसेस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. ओपन योर नोटबुक, कॉपी करिए व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, प्रेडिक्ट करिए और लिखिए. जैसे मैंने लिखा, द चिल्ड्रेन विल बाय कैंडी एंड ईट इट. आप भी पिक्चर को देखिए, प्रेडिक्ट करिए क्या आगे क्या हो सकता है, और वो लिखिए इस तरह से. चलो उसमें हम थोड़ा एडिट करते हैं बेटा. आप अगेन आपकी नोटबुक ओपन कर लीजिए. यहाँ पे हम CUPS कप्स कैटेगरी, हमारी जो कप्स स्ट्रेटजी है वो यूज करेंगे. चलिए, कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जब भी सेंटेंस शुरू करो कैपिटल लेटर. यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस. किसके बारे में बात कर रहे हो और वो कौन सी एक्शन करते हैं. सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस में आते ही है. पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस एंड वन फिंगर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. आप लास्ट में फुल स्टॉप करोगे और वर्ड में बीच बीच में वन फिंगर गैप छोड़ते जाओगे, सब साथ में नहीं लिखोगे. स्पेलिंग्स आर ऑल करेक्ट एंड रिटन नीटली. आपने जो भी प्रेडिक्ट किया, अभी जो भी सेंटेंस लिखा उसको आप दोबारा लिखिए ऑन अ न्यू पेज. ओके, न्यू पेज ले लीजिए, उस पर दोबारा लिखिए और CUPS कप स्ट्रेटजी को यूज़ करिए. अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रेन, दिस इज माई होमवर्क. यू हैव टू ओपन योर वर्कबुक. यू हैव टू ओपन योर वर्कबुक. और वर्कबुक में आपको WS7 ओपन करना है, क्वेश्चन 3. WS7 क्वेश्चन 3. आई विल शो यू द आंसर इन माई नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय एंड जय हिंद.